दूर से आए, इतना समय दिया। अब हमारे मुद्दे भी बहुत जी गया, इसमें दो शब्द कहेंगे और अपनी तरफ से हम लोग को भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। और मैं इतना लाइक तो हूँ नहीं, मैं थोड़ा सा सेंटर में मैं इतना लाइक तो हूँ नहीं, जब भी कोशिश करता हूँ। हाँ, मैं केवल बेसिक्स बताना चाहता हूँ कि क्या होता है एज ए होल और क्या होता है प्रोटोटाइप सिंड्रोम, जिसको लोग समझ नहीं पाते। अधिकतर का कहता है कि एक कान का ले लो, एक नाक का ले लो, एक पैर का ले लो, एक मेंटल ले लो, एक फिजिकल ले लो, एक जनरल ले लो। ये मैं एक बार आप लोगों को बता भी चुका, शायद ग्रुप में समझ में नहीं आता हूँ, आता होगा। फिर मैं कहता कि एज ए होल मतलब एज ए होल एज ए संपूर्ण है ना। टोटलिटी सिम्टम का ये मतलब होता है कि सर ये सिम्टम का टोटलिटी मतलब वेरिएबल सिम्टम्स का, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना। जिसे चरित प्रधानी बोल सकते हो, कितना उसकी इंटेंसिटी है, ये होता है। उसको एक्चुअली कहा गया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज नॉट द सम ऑफ सिम्टम। यस सर। अब इसीलिए कहा गया है। अब कैसे होल क्या होता है, सवाल ये होता है कि एज ए होल क्या होता है। बात होती है जब आप पूरा शरीर का जो प्रतिनिधित्व करता है, एक बात आती है कि मैं कहता हूँ कि अब मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरा पेट प्यासा नहीं है, मैं प्यासा हूँ, तो मैं संपूर्णता की बात कर रहा हूँ। ये है एज ए होल, जो क्लासिकल के नाम पे या इसके नाम पे बोलते हैं आपको मिसगाइड करते हैं। क्लासिकल क्या होता है, क्लासिकल बोलते हैं शास्त्रीय, शास्त्रों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार तीन तरह के प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमना इति प्रमाणिनी, साफ साफ लिखा है। उसके बाद साथ साथ में उसकी व्याख्या कर सकते हो, और ये हमारे लिए ये चिकित्सा विभाग के अलावा न्यायिक विभाग वगैरह समय काम आता है। जिस चीज को आपने प्रत्यक्ष अपने सामने देख लिया वही बड़ा है। दूसरा अनुमान के द्वारा, यानी डॉक्टर विपिन जी है या ये है, आए उनकी टोपी पहनी थी, काली थी, ये थी, ये थी, मैं इससे अनुमान लगा लूंगा कि विपिन जी, पर मैं देख चुका विपिन जी तो ये है, किसी ने पर्चा दिया तो अनुमान। तीसरी श्रेणी में होता आगम, जैसा चला आ रहा है, जैसे सत्य पुस्तकों में चला आ रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं सर हनीमैन साहब ने क्या था ये कहा था, ये ऐसी बात नहीं है। इस चीज को आप लोग इस चीज से समझ लीजिए, हनीमैन साहब ने अपनी बात को अपनी तरह से रखा और बिल्कुल सत्य रखा, लेकिन वो आपको हनीमैन साहब ने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, उसका अर्थ आपने अपने हिसाब से निकाला है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। जब उनकी बात आपके समझ में आकर किसी पेशेंट में प्रूफ हो जाती है, तो वही अनुभव सबसे बड़ा है और उन्हें अपने अनुभव से ही चले। इसीलिए कहा गया कि जो रिपर्टरी होती है अपनी बनानी चाहिए, दूसरों की रिपर्टरी पे इतना बिलीव नहीं कीजिएगा, है ना। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि जो अब उदाहरण तक क्या होता है, मैं पहले सभी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ और मैंने शायद सफलतापूर्वक रात के 12-1 बजे प्रैक्टिस लाई, शायद काफी लोग आप जानते होंगे। सुबह बैठ जाता था, तबियत भी खराब होने लगी आते हुए, तो फिर मैं 8:30 बजे छोड़ देता प्रैक्टिस को। मेरे प्रैक्टिस ऐसी जगह भी थी नेहरू कॉलोनी में कि जहाँ लोग अधिकतर 8 बजे के बाद आते, तो 12-1 बजे मुझे बच्चों को पढ़ना था, थोड़ा हालत भी खस्ता होने लगी, भीड़ जब ज़्यादा होती थी लेकिन संतुष्टि मुझे कभी नहीं मिली, क्योंकि मुझे 3-4 साल औषधियाँ भी साथ साथ देनी पड़ती थी, मैं उसको भी गलत नहीं माना। मैंने समय से एलोपैथी से ज़्यादा कभी तो नुकसान नहीं देता हूँ। अब जहाँ तक ऐसे होल की बात आती है, तो मेरे पास एक पेशेंट आता, बहुत मेरे साथ आप लोगों को दिखाया कि पथरी, कई लोगों ने कि नहीं हुआ, मैंने दिखा 3 दिन में निकलती पथरी लीवर की, प्रूफ करके और शायद रिपोर्ट के साथ देता हूँ मैं आपको विद प्रूफ देता हूँ पेशेंट के बोलने से, और शायद रिपोर्ट में शायद ऐसा गलत कभी नहीं देता। थायराइड 3 दिन में और 1 दिन में ठीक होता है, ये भी मैं आपको प्रूफ कर चुका हूँ, और परमानेंट होता है, कुछ लोग 1 साल में लगा देते हैं, ये व्यक्तिवाद है। अब मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैंने शायद आप ग्रुप में बताया था, शायद आप समझ पाए हो उसने, वो कहता भाई मेरे पास पथरी असर 28 दिन में, तो चर्चा चल रही थी कि पथरी नहीं निकलती 20 mm 21 mm, मैं भी 20 से 21 mm से ज्यादा की सोचता नहीं था, वो थी 28 mm की। मैंने आप लोगों को उसका सिम्टम क्या था, वो गया और बोला कि भाई मैंने कल इसमें कराया, ये कराया, 4-5 आप डॉक्टरों को जानते हैं, कैलाश वगैरह मेरे को सबने ऑपरेशन बता दिया। मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन बता दिया गया, तो तू करा क्यों नहीं रहा,
सब मुझे तो डर लगता है, समझ नहीं कर रही क्यों नहीं कराना था। सब कुछ नहीं था मेरे को, बस एक फीलिंग हो रही है कि लोगों ने बोला कि तेरी पथरी निकलेगी। मैंने कहा से निकलेगी, कह रहा यहाँ मेरे पथरी कहा तुझे पता नहीं, कह रहा जब से मैंने बोला तो मुझे लगता है यहाँ से मेरे किसी ने कोई अंग निकाल दिया है, यहाँ पे मेरे को खाली स्थान है। इम्पिटिनेस सेंसेशन अलग है, लेकिन मेन चीज हमको समझ में आता है। तो उसका लगता था कि उसके शरीर का कोई भाग किसी ने निकाल कर दिया, तो डॉक्टरों से इतना डर गया था, डॉक्टर बोले निकलेगा निकलेगा, उसने ऐसा डिल्यूजन बनाया अपने मन में भ्रम कि निकल गया। तो मैं सोच ही रहा था मैं क्या क्या करूँ, डिपार्टमेंट निकाल दी, मुझे ये चीज आ रहा था कि चेक करना पड़े, ये ऐसा करके मैंने टाइप किया, निकलेगा रूबरिक लगा डिल्यूजन सम बॉडी पार्ट इज टेकन अवे, शायद मैंने ये लिखा था। बस अब तीन दिन बाद अगर पथरी निकाली, ये भी आप लोगों को दिखाया था, पूरी रिपोर्ट आई, तो ये चकित करने की क्या था एज ए गुड, यही थी चॉकलेट के सूचक। कुछ जगह रिपोर्ट्री में उसको एज ए गुड बोला गया, और सर एक ही सिंगल मेडिसिन थी पैथिशियम, और मैं जिंदगी में पहली बार किसी दिन रखी हुई थी 35 या 40 साल की प्रैक्टिस में पहली बार मैंने 50 वो मेरे पास में उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा इसके बाद मैंने शायद 50 केस दिखाए होंगे, शायद आपकी पत्नी में हर बार बताते रहो कि पत्री निकलती है फिर पत्री की और परमाण के साथ देते हो। मैं गलत बोल रहा हूँ डॉक्टर सर, डॉक्टर बासरे जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल बिना बिना परमाण के मैं किसी चीज़ को करता नहीं, और बहुत सारी निकली और निकलते रहे, और किडनी की तो उसकी बोलने की जरूरत ही सभी निकाल है ना। और उसकी चर्चा हाँ मैं कई साल तक 25 साल तक मेरे को सफलता नहीं मिली, कम तो हो जाती थी पर सफलता नहीं मिली, और ये मैं इसलिए माइंड में भी गया, लेकिन मैं सही बताऊँ सेकंड सिस्टम वाला हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल जो कैंट साहब ने लिखी है माइंड मेथड मैं उसका हूँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर हनीमन साहब हमारी महात्मा, डॉक्टर हनीमन साहब बोलता हूँ क्योंकि होम्योपैथी के आत्मा वही थे, और दूसरी बात मैं महामना कैंट साहब बोलता हूँ क्योंकि मन के बारे में सबसे बड़ी बात महान बोलते हैं, मैं महामना इन्हीं शब्दों से संबोधित करता हूँ। तो सोच के अलावा सोच से अब आप बात आती है शब्द क्या है, तो शब्दों को पकड़ना मैं शायद कहना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली शब्द जो मैंने समझे अपनी पत्नी से सीखे, क्योंकि संस्कृत से थे तो संधि विच्छेद करना ही कैसे कैसे शब्दों को संधि विच्छेद करना कैसे तोड़ना बनाना है, पेशेंट का ज्यादा लेने की हिस्ट्री जरूरत नहीं है, उसने एक छोटा सा शब्द बोला उसने अपनी सारी जान उसकी फूंक दी 25 जगह। देखो आप लोगों के जो कहा जाता है ना कि प्रिजुडिस मत हुई है, ऐसा नहीं है, आपको जब पेशेंट देखता है पेशेंट जो आते हैं आपके दिमाग में पिक्चर खींचते हैं ना, तो मेडिसिन सबसे परफेक्ट रखती है अपने माइंड में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जहाँ पे अपने माइंड को आपने कंफ्यूज किया और फिर हो जाएगी जबरदस्ती रिपोर्टिंग करी ये नहीं, आपका मन एकदम पकड़ता है, पेशेंट की वाइब्रेशन मुझे पता चल जाता है मेरा पेशेंट है मेरा भाई का या इसका इसका दूर से, मैं उसकी सड़क दूर से पहचान देता हूँ होम्योपैथी का पेशेंट है, मैं रियल 1 किलोमीटर से क्योंकि मैंने तीनों प्रैक्टिस करी आयुर्वेदिक की आयुर्वेदिक ली है लेकिन जब से मैं होम्योपैथी में आया बिल्कुल मैंने और होम्योपैथी करी और होम्योपैथी में।
हमारे सीनियर साथी हैं डॉक्टर हरीश जी। हाँ हाँ बहुत बहुत। हम साथ साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मैं लाइन के इस पार और भी लाइन के इस पार। हम दोनों का जो इल्यूजन है वो ये रहता है, ये करते हैं बीमारी पर फोकस, और मैं ये कहता हूँ कि होम्योपैथी में मेडिसिन नहीं, रोज झगड़ा होता है। आगे मुझसे कहते हैं तू बैराडोन से पथरी कैसे निकाल देता है। देखिए सर, मेरे पास मैं बैराडोन में स्पेसिफिकली नहीं करता कि बैराडोन आया तो कहता है कि सर मैं आपके पास आया हूँ, मैंने किसने भेजा, कह दिया आपको किसने ठीक किया, तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि 200 से 250 जो तबीयत थी वो केवल बैराडोन के सिंगल डोज से ठीक हुआ, हमेशा नहीं, और एक नहीं 10-10 केस दिखाए। ये अलग बात है कि मैं अपने परिवार वालों को ठीक नहीं कर पाता, अपने को ठीक नहीं करता, गारंटी से बात करता हूँ, सब सब होता है, लेकिन मेरे पेशेंट मेरे श्रद्धा से ठीक होते हैं। और सर थर्ड तो पेशेंट जो ठीक होते, कोई बहुत ही लेट हुआ, हाँ मेरा मेरा बीपी जाता था 350-700, ये भी मैंने अपनी दवा से ठीक किया। सर इतना तो मुझे याद नहीं है, एक तो सबसे बड़ा मैंने साइकोलॉजिकल दवाई ली जिसे फॉरेंसिक कह सकते हैं। मैं पढ़ रहा था तो मुझे क्या होता है कि मेरे कई मित्रों की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर पाठक को जानते थे आप? नहीं, जो डॉक्टर पाठक जो गवर्नमेंट जॉब में थे उनकी मृत्यु हो गई, तो मैंने बहुत बड़े उसके नौकरी लगाने बहुत मदद थे अपनी निकल, पहले से कॉलेज को पता है कि मैंने कभी भी अपने कॉलेज के सर वगैरह ध्यान लिया, मैंने अपने लिए नंबर नहीं मांगे सर, आप जानते होंगे मैं स्टूडेंट के लिए नंबर मांगता था, मिलती भी थी, अगर मैं अपने लिए मांगता तो शायद मेरी बात की इमेज नहीं रखी जाए, जो जल सब इस चीज़ के गवाह है। संजय तुझे लीजिए, मुझे पता मैंने क्या, मैंने कहा सर मैं क्या हो जाए ना, पर मेरे को नहीं मिला सर, सबसे कम नंबर मेरे को ही मिलता है, उनका पता था कि पास करना है इसको, क्योंकि स्वाभिमान है, लेकिन उस समय की बात नहीं थी, मेरे को रियल बता रहा हूँ, इतने नंबर जितनों को जिसको नंबर दिला है दूसरों को उनकी उसमें मिला है, फिर पहले से नहीं सर देंगे तो जानते हैं ना। तो मैं इसी तरह से रहा हूँ, और मैं आगे से भी चाहता हूँ कि मेरे बहुत छोटे भाई उत्तराखंड के वगैरह के हैं, अगर कभी मेरे पास आना चाहे आप लोग के लिए पर हर समय तत्पर हूँ, बस शिक्षा को कभी भी व्यवसाय नहीं बनाता। सब लोग आते हैं इन्हें की मेरे ख्याल 20-25 हजार वाले जो लोग थे या जो लोग आए थे 2.5-2 लाख की प्रैक्टिस छोड़ के आ रहे हैं, कुछ सोच के आए, और ये सबको पता है, मैंने बता दिया कि रजनीश भारद्वाज 2.5-3 से ज्यादा मिशन थे, 70 लाख तक छूट गया सर, तो वो छूट लेके अलग बात है, लेकिन छूट गया तो छूटने के पीछे वो तो थे साथ में, तो उनका भी हाइजेक हो गया। सब ये जो थायराइड का बवाल चल रहा है, हां थायराइड, मतलब ये थायराइड में भी हां सर, थायराइड बीमारी नहीं है, थायराइड आपने दिखा था, मैंने पहला दोनों से ठीक किया। सुनो क्या थे सुपरस्टिशियस थी शर्मा थी, मुझे पता है गोरखा थी, ब्रिज में ना इन चीजों को भी मैंने लिया, केवल मात्र बैराडोना की जो बात करते हैं, और मुझे बाद में पता चला कि बैराडोना थायराइड की सबसे एक ग्रेट मेडिसिन, नेस्को पढ़ने के बाद। अच्छा आप पूरा पढ़िए सर। अच्छा और उसमें पढ़िए क्या कहते हैं इसमें, आप बोरी की किताब में किसी के पास है बोरी निकालो सर, इसमें मैं पढ़ा दो, नहीं इसमें नेट में निकालिए, अरे खुला मुझे उसके बाद में कर, और आईडिया वगैरह सब बेकार लगी। हां आईडिया की 10 एमसी में तो बहुत रिजल्ट मिलते हैं सर, अब वाला तो सही ठीक है। वो टीएसएच का मतलब ये है, जैसा मैं जानता हूं हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपर नहीं, जब हाइपर नहीं है तो फिर ये थायरॉक्सिन क्यों दे रहे हैं? सब पढ़ के दिखाएंगे दोनों followed by nausea and vomiting, scarlet fever
एंड ऑल्सो प्रोफाइल एक्टिक। ये जो नहीं माइंड से पहले ऊपर वाला, माइंड से ऊपर वाला ये सर, पढ़िए। एपिलेप्टिक स्पाज्म फॉलोड बाय नोजिया एंड वॉमिटिंग, स्कारलेट फीवर एंड ऑल्सो हियर यूज द 30 पोटेंसी एक्सोथैल्मिक गोइटर। यस सर, एक्सोथैल्मिक गोइटर मेरे पास, एक्सोथैल्मिक थी, पूरे आंखें बाहर आ गई थी। और ये टीएसएस का नहीं था सर, ये हाइपरथायरायडिज्म का पेशेंट था। मैंने केवल बेलाडोना की सिंगल डोज सर आज तक नहीं दिया, पेशेंट का नाम मुझे पता है, अभी भी मैंने उसको बोला अगर जब जिसने चाहोगे मैं डायरेक्ट इसके फोन पे भी बात कर सकता हूँ। और इसका सबसे पहले बता रहे थे इतने दिन में जो उसका निकला हुआ था, ये इतनी जल्दी साफ हुआ, मैं केस भेजे थे लेकिन 5-6 केस इकट्ठा भेजे हैं कि थायराइड जो ग्लैंड बढ़ी हुई थी वो पूरी हाइपरट्रोफी थायराइड ये खत्म हो चुकी थी। पुराना और ये पुराना सर 20 साल पुराना है। और सही बात है, सब लोगों की पुस्तकों से रजनीश भारद्वाज ने तो कन्वे किया, लेकिन हाँ वो साइकिल सिस्टम से चलते हैं, मैं वास्तविक सिस्टम से चलता हूँ। जिंदगी का पहला केस था कैंसर का, और तब मुझे रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, ठीक है, गले का ट्यूमर था और वो था, पर मैंने इसको पढ़ा नेस को, उसने साफ साफ लिखा था, अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, जिसने क्लार्क ने सॉरी एबीसीडी क्लार्क एबीसीडी उसकी ना, तो उन दिनों में भरतपुर में पढ़ ही रहा था और उनको मात्र बैलान होना 30 डिग्री थी और उनका कैंसर प्रोटोकॉल बिल्कुल साफ हो चुका था। मैं जब 3 साल बाद आया कार्सिन लोगों को साफ बताया, लोगों ने मुझे बताया पर मुझे पढ़नी नहीं आती, मैंने कच्चे रख दी, जब मैंने देखा भाई ये क्या है, और अगर आता तो मैं कभी नहीं कर पाता, तो थ्रोट में मैं किस तरह से करता हूँ ये मुझे समझ में आ गया। और वो लेडीज अभी मेरे साथ मेरे साथ 35 से 36 साल बाद आई अपने पुत्रों के साथ, यानी आपकी किलार में लगाई लाइन तो नहीं लगाई, अपने पुत्रों के साथ 36 साल बाद आई, और उसको खुशी जब मैंने देखा वो हंसती हुई मुस्कुराती हुई सुपरस्टिशियस, मैंने देखा ना मेंटल स्टेट भी उसका पूरा पूरा बैलेंस है, तो इस तरह से वर्क कर चुका था। तो हमेशा ये याद रखिएगा मेंटल स्टेट जिसका होगा उसका फिजिकल स्टेट भी वही होगा। तो क्या होता है कि जैसे पल्स क्लब क्या होता है, माइल्ड, उसको बोलते माइल्ड, सबसे ज्यादा माइल्ड है पल्स क्लब, उसके नाम से जो निकलेगा वो भी माइल्ड है, उसका विचार भी माइल्ड है, पकड़ना जितने भी शराब होंगे वो माइल्ड होंगे, उसकी हर चीज में प्यार भी माइल्डनेस से चाहिए। इसको बोलते करेंट डिजायर स्लो बोलते, लेकिन एक्चुअली में धीरे धीरे करेंट डिजायर टू परमानेंट इसको बोलते हैं, क्यों चाहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सहलाने के लिए कुछ लोगों को चलने के लिए, ये नहीं इसका मतलब किसी भी। इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने साफ साफ लिखा है कि कल जब तक पल्स क्लॉक में जिसमें ये स्थायी नेचर के होते हैं, जब तक ये भाव अगर पल्स क्लॉक का नहीं है तो उसकी मेडिसिन पल्स क्लॉक यदि वो कितने भी माइंडनेस हो, उसके पीछे उसकी सर क्यों आई हो, मुझे आपसे परमानेंट ठीक होना है, मैं इस भाव से। और होम्योपैथी के पास 40% लोग इसके होते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस गढ़वाल एरिया पर, यहाँ के लोग बड़े मायने हैं, 40% लोगों के डेली मेरी पल्स क्लॉक है। बेटा गलत है, मेरा बेटा है उसको भी गलत है, तो इसी चीज पल्स क्लॉक मैं सर पहने हुए कुछ चीज़ों में मेरा अंधविश्वास समझिए या मेरा प्रैक्टिकल जरिए, डॉक्टर हनीमैन ने बोला कि बार बार आपका अनुभव, हर आप ऑर्गन को पढ़िए तो अनुभव की बात, किसी दिन बात करेंगे। देखिए सर मैं आपको बताता हूँ, जो लोगों को ये है ना कि हाई पोटेंसी को शब्द हाई पोटेंसी का ये मतलब हाई पावर नहीं होता, पोटेंसी का मतलब खुल सकता होता है, इसका मतलब ये होता है कि कम से कम क्वांटिटी में भी समर्थवान है, लायक है, एक इम्पोर्टेंसी होती है नपुंसक और एक होती है पुंसक, इस शब्द को आप समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो हम हाई पोटेंसी देते हैं उसमें मात्रा उतनी कम होती है, उतनी कमजोर भी होती है लेकिन ठीक एक्टिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको बेलाडोना अगर कोई पेशेंट ठीक करना है तो मात्रा का ही महत्व है। देखिए हमारे यहाँ जो शब्द बोला जाता है शक्ति, वो गलत शब्द है,
पोटेंसी को ले बोला जाए समर्थवान, और समर्थवान को दूसरा शब्द क्या होता है बेटा, नहीं सामर्थ्य और क्या कहते हैं सक्षम। तो उस शब्द का नाम हिंदी में होना चाहिए सक्षमता, उस शब्द का नाम सक्सेस बाई, उसका नाम सक्षमता होना चाहिए। हिंदी ने सारा का सारा नाश मार दिया शब्द, यस। अगर हम इसकी सक्षमता बढ़ाते जाए, और इसी चीज को बोला गया भावना आयुर्वेद में कि हमने इतने भाव भाव में भाव वास्तविक कितना दिया है। आज मार्केट का भाव क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है। मार्केट की भावनाएं क्या चल रही है, 10-20-30, ये समझने की बात है, इसका मतलब वो नहीं है। चौथी बात मैं आप लोगों के साथ सुबह ही बोलना चाह रहा था कि स्पिरिट का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। इसमें आत्मा, किसी भी चीज की आपका आत्मा जगा ली है तो वो स्पिरिट जगह जिसे अलग हो, तो ये भले ही एक कोलाहल जो ऐसी चीज कोलाहल मचाते, तो जो हमारी स्पिरिट है केवल व्यक्ति में कोलाहल नहीं मचाती। हाँ, जो जिस जिस नेचर का होता है, जिस प्रकृति का होता है, उसकी वो नेचर आपके सामने पूरी की पूरी आ जाती है। अगर कोई कपटी है तो स्पिरिट हमने पिला दी तो उसकी पूरी वास्तविक स्पिरिट आ जाएगी, काबू नहीं आ गया। इस शब्द को आप समझिए, सुरा साहब जो सुर में आ जाए उसके बाद मैं शब्दों की बात करता हूँ, जितना शब्द बताऊंगे उतना मैं आपको उनको उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो जो लेकिन ये इंसानों की नहीं की भी वास्तविकता को ला देता है, ठीक है। समापन धन्यवाद।